नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। पुलिस अधीक्षक की सख्ती का दिखा असर, गड़बड़ी कर अशांति फैलाने का प्रयास करने वाले 76 अभियुक्त गिरफ्तार, 5 अदद अवैध शस्त्र भी बरामद। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के मतदान को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने व मतदान प्रक्रिया को व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्व व गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने व कठोर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों, थाना अध्यक्षों को दिए थे। पुलिस अधीक्षक गोंडा ने मतदान को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अपनी प्रबुद्धता को जाहिर करते हुए स्वयं भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक ने मतदान को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए स्वयं भारी पुलिस बल के साथ जनपद के प्रत्येक संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों का भ्रमण किया था एवं संबंधित थाना प्रभारियों तथा मतदान में लगे समस्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को मतदानों को सकुशल संपन्न कराने तथा किसी भी विषय परिस्थिति से निपटने हेतु उचित निर्देश भी दिए थे। पुलिस अधीक्षक के इसी निर्देशन व उचित मार्गदर्शन के फलस्वरूप जनपदीय पुलिस को पंचायत चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सफलता मिली। इसी दौरान जनपदीय पुलिस ने गड़बड़ी कर अशांति फैलाने का प्रयास करने वाले 76 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें थाना तरबगंज क्षेत्र के अंतर्गत जानलेवा हमला करने वाले 8 अभियुक्त व 2 अदद अवैध शस्त्र, इटिया थोक थाने के अंतर्गत आपस में मारपीट करने वाले 3 अभियुक्त, थाना परसपुर में सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 2 अभियुक्त, थाना वजीरगंज में मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों के अतिरिक्त थाना नवाबगंज में मारपीट करने वाले 2 अभियुक्तों के अतिरिक्त 3 अभियुक्तों को मैं 3 अदद अवैध शस्त्र कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 55 अन्य अभियुक्तों को शांति भंग के प्रयास में जनपदीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मतदान को सकुशल संपन्न कराया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को चालान कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जनपद गोंडा में 19 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 1588 मतदान केंद्र और 4428 बूथों पे सकुशल मतदान संपन्न करवाया गया। कोई भी रिपोल नहीं हो रहा है, लेकिन इसी दौरान चुनाव एवं चुनाव के बाद में कुछ गांव से आपसी लड़ाई करने की, आपसी रंजिश की सूचना प्राप्त हो रही थी। इन सभी पे हमारे एडिशनल साहब के नेतृत्व में सीओ साहब और थाना प्रभारियों की छापेमारी में 76 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कई थाना क्षेत्रों से जो छिटपुट घटनाएं आई थी उन सभी में लिख के रगड़ के इन सबको भेजा जा रहा है, जिससे कि आगामी जो मतगणना है उसको प्रभावित न कर सके। और प्रधानी रंजिश में कोई भी व्यक्ति अगर लड़ाई झगड़ा करता है या फिर अपराध करता है उन सभी के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है जनपद गोंडा के ये जितने भी ये बदमाशी करने के मन फिराक में हैं कि चुनाव संपन्न हो चुका है, चुनावी रंजिश में अपने कैरियर को, अपने भविष्य को तबाह ना करें। बदमाशी करेंगे, मुकदमे लिखे जाएंगे और जिस तरीके से आज 76 लोगों को जेल भेजा जा रहा है ऐसे सभी बदमाशों को लेकर जेल भेजा जाएगा। किसी के मन में ये संशय ना रहे कि वो गुंडई करेंगे और जेल नहीं जाएंगे। तो यही मेरा मैसेज रहेगा और निवेदन भी रहेगा आपके माध्यम से।